हम अपनी जगह पे रह के अपने मकान में रह के उसका टैक्स देंगे, ये कौन सा फरमान है? लगता है कि आने वाले कुछ सालों में ऐसा ना हो जाए हर घर के बाहर एक मीटर लग जाए ऑक्सीजन का, कौन घर कितनी ऑक्सीजन खा रहा है उसके भी पैसे देने पड़ेंगे, शमशान घाट में जाओगे मुर्दे के भी पैसे देने पड़ेंगे। एक रेहड़ी लगाई है, खर्चा नहीं, फाके मारते हैं बच्चे, दो लड़कियाँ जवान कुंवरियाँ फिर रही हैं, कर ले डेथ। लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि लोग ऑलरेडी इतना टैक्स देते हैं और टैक्स पर टैक्स लगा कर सरकार हमको दे रही क्या है, टैक्स कहाँ से भरेंगे, इधर काम भी उतना ही है जी। अपना घर का सर्कल चलाना मुश्किल हो गया। मेरा यही कहना है कि आने वाले दिनों में बीजेपी को हमको बाहर निकालना होगा, तभी हम बच पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अजय और आप जुड़ चुके हो इस समय आपके अपने चैनल के साथ। अगर आप जम्मू कश्मीर के अंदर रह रहे हो तो अब आपको जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो भी पे जो है वो करना पड़ेगा। हम इस मुद्दे के ऊपर पहुंचे हैं जनता के बीच में, जानते हैं कि जनता जो है इस मुद्दे को किस तरह से जो है वो देखती है। तो यहाँ पर जो आम नागरिक हैं हमारे ये हैं, इनसे जानते हैं कि इस फैसले को ये किस तरह से देख रहे हैं। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम है अरुण शर्मा। अरुण जी, कल से एक एलजी प्रशासन का ऑर्डर आया है कि जहाँ पे आप रह रहे हो जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर भी अब टैक्स जो है वो आपको पे करना पड़ेगा, क्या कहते हैं उस पर? देखिए, हम कहना चाहते हैं कि ये जो एलजी प्रशासन द्वारा रातों रात लिया गया बंद कमरे में जो फैसला हम कहेंगे, ये एक तुगल का फरमान है। हम कैसे टैक्स देंगे? आम आदमी जो है, जो बड़े बुजुर्गों द्वारा ली गई जगह पर रह रहे, अपना मकान बना के रह रहे, अपनी जगह का टैक्स देगा? पहले ये कूड़े के पैसे लेते थे, फिर उन्होंने सीवर के पैसे बोल दिया, अब देवका बटेर चालू हो जाएगा, सीवर के पैसे लेंगे। अब तो ये प्रॉपर्टी टैक्स ये स्वादी हो गई। जो आम आदमी है, जो गरीब बंदा है, जो अपने घर का खर्चा चला रहा है, वो अपने घर का टैक्स कैसे देगा? हम अपनी जगह पे रह के अपने मकान में रह के उसका टैक्स देंगे, ये कौन सा फरमान है? पहले इन्होंने एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई, इन्होंने बोला कि जो सरकारी जगह घेरी हुई है हम उसका कब्जा हटाएंगे जी। कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ उसके विरोध में थे, हमने भी कहा चलो ठीक है सरकारी जगह घेरी उसका कब्जा हटाएं। अब तो उन्होंने जिनकी अपनी जगह तो उनके ऊपर भी लाठी चलाना शुरू कर दी जी। मुझे तो लगता है कि आने वाले कुछ सालों में ऐसा ना हो जाए हर घर के बाहर एक मीटर लग जाए ऑक्सीजन का, कौन घर कितनी ऑक्सीजन खा रहा है उसके भी पैसे देने पड़ेंगे, शमशान घाट में जाओगे मुर्दे के भी पैसे देने पड़ेंगे। हम एलजी प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि ये जो रातों रात लिया गया फैसला है, इस फैसले को फौरन वापस लिया जाए और प्रॉपर्टी टैक्स जो है इसको रद्द किया जाए जी। आम नागरिक जो है उसकी बात करें तो वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि जिस तरह से आए दिन फैसले जो हैं वो लिए जा रहे हैं उससे आम नागरिक जो है वो परेशान है, और इस फैसले से भी जो आम नागरिक है वो बिल्कुल इसके खिलाफ है। मैं आपको बता दूं कि एक साल पहले भी इसी तरह का फैसला लिया गया था, पर जनता ने इसका विरोध जताया था और उसके बाद ये फैसला जो है रद्द कर दिया गया था, और जो आश्वासन है वो दिया गया था कि इस तरह का फैसला जो है वो फ्यूचर में नहीं लिया जाएगा। पर अब फिर से एक बार जो है ये फैसला लिया गया है, और भी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं उनसे भी जानते हैं। अभी हम फिर से एक और यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के स्थानीय नागरिक है, इनसे जानेंगे। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम अर्जुन गोस्वामी है। अर्जुन जी, आप यहाँ पर रह रहे हो, अब आपको उसका भी टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी कि अब कल से जो है वो एलजी प्रशासन का फैसला हुआ है, टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो देना पड़ेगा, आप किस तरह से देखते हो उसको? प्रॉपर्टी टैक्स ये हो गया कि जहाँ पे हम रह रहे हैं हमें उसका भी किराया देना पड़ेगा, ये बिल्कुल गलत बात है सर। जो सरकार ने जो कल ये फैसला निकाला हुआ है तो इसके ऊपर सोच विचार होना चाहिए। आज तो जो ये प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हैं, कल जाने की कोई बच्चा भी हो जाएगा ये उसका भी टैक्स लेंगे सर। जी जी, कहने का अर्थ यही है कि जो आम नागरिक है इस फैसले से काफ़ी निराश है। अब हमारे साथ यहाँ पर एक महिला है जो कि रेड़ी लगाती हैं और अपना जो है वो गुजर बसर करती है, ये भी सिटी में रहती हैं, इनसे जानते हैं। आंटी जी, क्या नाम है? कृष्णा देवी। आप अब जहाँ पर आप रह रहे हो उस जगह का भी आपको जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा, क्या करना है? मैं कहाँ से करना है? एक रेड़ी लगाई है, खर्चा नहीं, फाके मारते हैं बच्चे, दो लड़कियाँ जवान कुंवरियाँ फिर रही हैं, कर ले डेथ कोरोना चोई, मैं कहाँ से करूँगी? इनका मेरिया लड़कियों की शादियाँ करनी है, दो लड़कियाँ जवान हैं, तो ये निखरे हमें समान पानी पैसा नहीं मेरे को होता, ये बच्चे बुच्चे देंगे थोड़े बहुत, मैं थोड़ा बहुत समान डालती हूँ, मैं टैक्स कहाँ से भरना है? मेरी है नहीं इतनी क्वाद, ये मैं टैक्स भरूंगी जी। जी दर्शकों, ये एक महिला हमारे साथ हैं, घर इनका अपना है पर इनके पति जो हैं वो इस दुनिया में नहीं है, और ये बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर करती है। ऐसे ना जाने कितने और हमारे नागरिक हैं जिनके ऊपर भी ये टैक्स जो है वो लग गया है, अब वो इस तरह से कैसे जो है इसको पे कर पाएंगे? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है। आप क्या कहोगे इसमें? क्या कहना भाई, अपना अपना सर्कल चलाना मुश्किल हो गया, हम कहाँ से टैक्स भरेंगे हम जी।
ठीक है ना, इधर काम ही उतना है जी। अभी पहले लॉकडाउन की वजह से हम थोड़ा काम डिले हो गया है जी। अभी कैसे सर्कल चलाएंगे हम, कहाँ से टैक्स भरेंगे? तो आप क्या मांग करते हो अभी? मांग यही करते हैं हमारा टैक्स माफ़ किया जाए, हम कहाँ से टैक्स भरेंगे, टैक्स कहाँ से भरेंगे, इधर काम भी उतना ही है जी। अपना घर का सर्कल चलाना मुश्किल हो गया जी। हाँ जी जी, लोगों को पहले कोरोना की मार ने मारा है, अब इस तरह के फैसले जो हैं काफ़ी दुखदाय हैं, लोग जो हैं बहुत ही निराशाजनक इन फैसलों को जो है वो जी प्रशासन द्वारा जो फैसला लिया गया, जितने भी जम्मू कश्मीर के अंदर नागरिक हैं उनको अब टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो भी पे करना पड़ेगा। हमारे साथ अब मौजूद हैं महेश बनाथिया जी, ये एक समाज सेवक है और समाज के हित के लिए समय समय पर जो है वो लड़ाई लड़ते हैं। महेश जी, आप जो है इस फैसले को किस तरह से देखते हो? देखिए, जो फैसले तो सरकार ले रही है ये सिर्फ बेबुनियाद फैसले लिए जा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो कि प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है, लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि लोग ऑलरेडी इतना टैक्स देते हैं और टैक्स पर टैक्स लगाकर सरकार हमको दे रही क्या है, किस नाम पे ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है। डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ बेवकूफ़ बनाकर हमको चुपचाप करके बिठा दिया जाता है। डेवलपमेंट कौन सी डेवलपमेंट, शहर हमारे शहर में क्या डेवलपमेंट हो रही है, हमको ये समझ नहीं आ रही सरकार इतना पैसा इकट्ठा करके अपने जेब भर रही है या लोगों को कुछ दे पा रही है जी। जी महेश जी, इस तरह का फैसला पहले भी एक साल पहले लिया गया था, पर जब लोगों ने इसका विरोध किया था तो ये फैसला वापस लिया गया था और आश्वासन दिलाया गया था कि इस तरह का फैसला अब फ्यूचर में नहीं लिया जाएगा। अब फिर से एक बार इस तरह से हरासमेंट करनी पब्लिक को। अब जैसे आप देखिए, दो दिन पहले अमित शाह जी का एक बयान आया था कि उन्होंने स्टेटहुड वापस कर रहे हैं। वो जब स्टेटहुड वापस हो रही है तो ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का मतलब क्या है, हमको ये समझ नहीं आ रही। ये सिर्फ बेवकूफ़ पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और ये आने वाले टाइम पर बीजेपी का सब बहिष्कार करेंगे। मेरा यही कहना है कि आने वाले दिनों में बीजेपी को हमको बाहर निकालना होगा, तभी हम बच पाएंगे, क्योंकि ये डेवलपमेंट के नाम पे हमको बेवकूफ बनाते हैं, सिर्फ डेवलपमेंट के सपने दिखाते हैं और टैक्स पे टैक्स दिए जा रहे हैं। कभी बोलते हैं ये स्टेटहुड वापस देंगे, कभी बोलते हैं स्टेटहुड वापस नहीं देंगे। ये यूटी के वो है, यूटी जो यूटी में लगते हैं ये प्रॉपर्टी टैक्स, ये यूटी जो बनाई गई है टेम्परेरी यूटी बनाई गई है। हमारा यही सरकार से, मैं एक जो जम्मू से तो पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, मेरा यही बोलना है कि कम से कम जल्द से जल्द सेपरेट स्टेट बना दिया जाए जम्मू को, पहले ये जरूरी है, ये प्रॉपर्टी टैक्स जरूरी नहीं है। लोग ऑलरेडी पिस चुके हैं कोरोना में, ऑलरेडी लोग मर चुके हैं, वो लोग गिर चुके हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है खाने के लिए, पैसे नहीं है, वो टैक्स पर टैक्स कैसे भरेंगे? हम ऑलरेडी इतना इनकम टैक्स दे रहे हैं, उसके बावजूद सरकार को प्रॉपर्टी टैक्स लेने का क्या बनता है? जी जी, तो देखा दर्शकों आपने, हम निकले थे जनता के बीच में, मुद्दा था जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है उसको जनता जो है वो किस तरह से देखती है, पर जितने भी लोगों से हमने बात किया उन्होंने सिरे से इसको जो है वो खारिज किया है, इसको टोटल और टोटल हरासमेंट का मुद्दा जो है वो बताया है। इसके साथ ही अब हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।